बैक टू माई चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ एक फूड ईटिंग चैलेंज। तो इसमें बेसिकली मुझे करना क्या है, मैं ब्लाइंड फोल्ड करके मुझे कुछ फूड मिलेगा जो कि कुछ मिक्सचर होगा दो तीन चीजों का। तो मैं गेस करूंगी मतलब ब्लाइंड फोल्डेड कि वो क्या है पहले, मतलब सूप वगैरह के और खा के टेस्ट करूंगी कि वो क्या है। मुझे पता है कि वो बुरी ही चीजें होंगी क्योंकि कोई किसी दूसरे को कुछ अच्छा नहीं खिलाएगा। इसलिए मैंने सबसे कहा था कि जो खाने पीने की चीजें हैं वो बहुत कम यूज करना, जिससे जो फूड वेस्टेज है वो ना हो। क्योंकि अगर आप बहुत सारा बना दोगे और फिर वो बुरा होगा तो वो कोई नहीं खाने वाला। तो इसलिए हम कम से कम यूज कर रहे हैं जिससे फूड वेस्टेज ना हो। तो अगर आपको वीडियो कंसेप्ट वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करो यार करो, और कमेंट करके बताना जो मैं गैस नहीं कर पाऊंगी वो आपको कमेंट करना है कि वो क्या चीज, वो आप कैसे कमेंट करोगे। पर तो अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लाइंड फोल्ड पहन लेती हूँ। मेरे बाप ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई चीटिंग करूं इसलिए मैं उसको अच्छे से टाइट कर लेती हूँ। हाँ अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब जल्दी से चैलेंज स्टार्ट करते हैं। ये क्या मतलब इजी है? ये चेक कर रहा था, दिख तो नहीं रहा यार, ऐसे कौन मार के चेक करता है। चलो अब चैलेंज स्टार्ट करो, फर्स्ट चीज देख के आओ। कुछ तो आया खाने के लिए। ये मिला मुझे खाने के लिए। मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए, ये सब बहुत खट्टा कुछ मिला हुआ है। कुछ मुझे ऐसा लगता है मैं भी अचार इतना खट्टा हो सकता है। अचार है, खा के देखते हैं। पर दाल चावल मिला हुआ है क्या अचार? दाल चावल और अचार है तो तुम्हें मुझे तो मजे ही आ जाने अगर दाल चावल और अचार है तो। मुझे ऐसा लग रहा है शायद दाल चावल और अचार है। ये अचार है फॉर श्योर, मतलब अचार का मसाला है, अचार नहीं है। और ये कोई सा तो भी नमकीन है क्योंकि टेस्ट आ रहा है नमकीन का, पर ये बहुत अच्छा लग रहा है। खट्टा और नमकीन, इट्स नॉट टेस्टिंग दैट बैड। यू वांट टू ट्राई? नो, अच्छा बुरा नहीं है। इट्स नमकीन, तीखा नमकीन है ना अचार। Am I right? Hmm. Right? हाँ. Yes. Next चीज़ लाओ। ये सूंघ लेती पहले। मेयोनीज़ की खुशबू है। पास्ता अच्छा लग रहा है। और कुछ भी है? और कुछ भी है? आई थिंक मैदा, पास्ता एंड मैदा। तुम्हें तो सब अच्छा लग रहा है। कौन भी है, मैं सबका आ जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ बुरा ही नहीं।
पास्ता एंड कॉर्न। मैंने खाना नहीं खाया था इस चैलेंज के लिए, सो दैट मैं खा पाऊंगा आराम से। रॉन्ग। क्यों? पास्ता में कुछ और है। बताया तो कॉर्न। नहीं। पास्ता और चार चम्मच घी। चार चम्मच घी? यार मैं आजकल एक्सरसाइज कर रही हूँ घर पे वेट लॉस के लिए, तुमने मुझे इतना सारा खिला दिया, चार चम्मच घी बर्बाद कर दिया तुमने इस पास्ता में। माय गॉड, पर ये अच्छा लग रहा है सच में, ऐसा कुछ बुरा नहीं लग रहा है, मतलब घी तो मैं किसी भी चीज में खा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इट वॉज नाइस, मतलब ठीक है, मुझे खाना इतना बुरा नहीं लग रहा है, वियर्ड कॉम्बिनेशन है बट आई लाइक इट। तो ये जो नेक्स्ट चीज है ये डायरेक्ट मेरे हाथ में दी गई है, ये मुझे छूने से पता चल गया कि ये कुकी है ऑब्वियसली, और खुशबू से पता चल गया कि ये चॉकलेट कुकी है। तो ये एक कुकी है चॉकलेट वाली जो कि बीच में से टूटी हुई है, ये सिंगल ही चीज है तो मैं जीत गई बता के। चॉकलेट कुकी क्यों दी थी तुमने मुझे, इतना इजी था ये चॉकलेट कुकी है और कोई टेस्ट नहीं आ रहा इसमें। मैं असली तो लोगों को लगे मैं आलू बना रही हूँ बट आई स्वेयर कोई और टेस्ट नहीं आ रहा। मतलब तुम्हारे बर्ड्स मर गए क्या टेट बर्ड? नहीं आई स्वेयर, तुम खा के देख लो। एक बाइट लो। मैंने तो खुद मिलाया, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे नहीं आ रहा कोई टेस्ट। तुम दूसरी वाली स्लाइस कैमरे की तरफ दिखाओ, कटिंग वाली साइड से कुछ दिख रहा है इसमें? हाँ। तो ऐसी चीज क्यों बनाई थी जिसका टेस्ट ही नहीं, सच में उसके अंदर जो चॉकलेट फिल है बस वही चॉकलेट चॉकलेट फिल है उसके अंदर। अच्छा स्वेयर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कुछ है। हल्दी और चॉकलेट का टेस्ट एक साथ कैसे हो सकता है? हल्दी इसमें मैं स्वेयर नहीं पता चल रहा, हल्दी तो मतलब मैं मेरे वाइल्ड गेस में भी ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मैदा ज्यादा बोल देती, हल्दी तो लग ही नहीं थी इसमें। आई स्वेयर हल्दी नहीं लग रही कहीं से भी। अब तुमने बोला तो मुझे जब मैं कुछ जबरदस्ती में टेस्ट बट पे जोर डाल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है हल्दी हो इसमें, बट हल्दी तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी, बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा था इसमें हल्दी का, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है इसमें येलो येलो। दिख रहा है येलो? मैं तुमने बहुत सारी हल्दी मिलाई, एक बार चेक कर। ओ शिट, इतनी सारी हल्दी खा गई मैं, मुझे पता ही नहीं है, स्वेयर बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा था इसमें हल्दी का सच में। तुम खा के तो देखो एक बाइट। नहीं नहीं नहीं, अरे एक बाइट। अरे ना ना ना, चलो चल नेक्स्ट चीज लाओ। नेक्स्ट फूड आ गया। ये तो मैं सारे फूड एंजॉय कर रही हूं, मैं तो टॉर्चर हो ही नहीं रही इनसे किसी से भी, फिर क्या मतलब हो गया। ये कुछ पीने का है, ये क्या है स्ट्रॉ, इसमें सड़ान की बदबू आ रही है, मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए सड़ा खाना खाने के नाम से, मैं नहीं पीऊंगी ये। सड़ा कुछ भी नहीं है। आर यू श्योर? इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है यार, मतलब ये अभी ये पहली चीज इसमें से इतनी गंदी स्मेल आई है, मेरे सब जगह के रोंगटे खड़े हो गए भाई साहब इसको सुन के। मैंने पी रही है, पिया बहुत गंदी स्मेल आ रही है इसमें से, सड़ा नहीं है, आर यू श्योर? 110% लस्सी है, मैंगो लस्सी, थोड़ा सा और टेस्ट करती हूँ मैं। नमक है मैंगो लस्सी और नमक। ठीक, बहुत गंदा था यार, बहुत गंदा। ठीक तुम्हें पिलाऊंगी मैं, एक बार शूट खत्म होने दो।
हटाओ इसको हटाओ। तो ये फूड चैलेंज तो मैंने कर लिया और लास्ट वाला फूड आइटम आई स्वेयर इतना गंदा टेस्ट का था, इतना गंदा टेस्ट का था, उसका टेस्ट अभी तक मेरे मुंह में मतलब ऐसे हो रहा था आधा डब्बा नमक डाल दिया था उस लस्सी में, अजीब सा ही कुछ टेस्ट था। और वो मुझे पता है कि वो मैंगो लस्सी थी क्योंकि मेरे घर में मैंगो लस्सी पड़ी थी तो मुझे पता था। और उसके साथ वो जो नमक था वो बहुत गंदा था, बहुत गंदा। तो इसमें से आपको सबसे ज्यादा वियर्ड कॉम्बिनेशन किस चीज का लगा मुझे कमेंट करके बताना। और वो हल्दी वाला बिस्किट सच में बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, बिल्कुल पता ही नहीं चला था, मैं भी शायद चॉकलेट बहुत ज्यादा थी उसमें इसलिए ऐसा हो रहा था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।